दोस्तों साल 2024 बस आकर दरवाजे पर खड़ा है और जैसे ही ये साल शुरू होगा 2024 का लोकसभा चुनाव सबके दिमाग में घूमने लगेगा, खासकर विपक्षी पार्टियों और सत्ताधीन पार्टी के दिमाग में। दोस्तों अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सत्ताधीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तिकड़मबाजी कर रही है किसी तरीके से 2024 का चुनाव जो है उनके हाथ में आए, खाते में आए, और उसके लिए जो भी हो सके साम दाम दंड भेद हर तरीके की नीति अपनाई जा रही है। लेकिन क्या जिस तरीके से भाजपा खुद को मजबूत कर रही है, अभी इस वक्त विपक्षी दल खासकर इंडिया गठबंधन, क्या उनका भाजपा के सामने उतना कमजोर होना चल पाएगा जितनी अभी कमजोर इंडिया गठबंधन नजर आ रही है? दोस्तों वो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब कोई विपक्षी गठबंधन का नेता या जब कोई इंडिया गठबंधन का नेता गठबंधन को धार देने की कोशिश करता है या कोई पार्टी गठबंधन को धार देने की कोशिश करती है, तब तक में कोई ऐसी पार्टी निकलकर सामने आ जाती है जिसकी वजह से, जिसके तेवर से समझ में आता है कि ये जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी से लड़ना इनके लिए मुश्किल होने वाला है। ये मैं क्यों कह रही हूं, किस पार्टी के बयान के आधार पर कह रही हूं, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों थोड़े समय पहले राहुल गांधी ये बयान देते हुए नजर आए थे कि अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अगर कोई अनुशासन में नहीं रहता है तो वो बिल्कुल काबिले बर्दाश्त नहीं है। अब कहीं ना कहीं उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों को भी एक संदेश देने की कोशिश की, लेकिन क्या बाकी की पार्टियां उस ढर्रे पर चलना चाह रही हैं जिस ढर्रे पर वाकई में इंडिया गठबंधन को चलना चाहिए? क्योंकि बिना उस ढर्रे पर चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब जानते हैं कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए वाकई में जी तोड़ मेहनत कर रही है और ये जी तोड़ मेहनत चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, मेहनत तो हो रही है, लेकिन क्या वो मेहनत जो इंडिया गठबंधन कर रहा है, जो दिखाई दे रहा है अभी बयानों में, क्या उससे काम चल पाएगा? टीएमसी दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस, इंडिया गठबंधन में बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जिनका क्षेत्रीय तौर पर, राज्य के तौर पर जनाधार बहुत मजबूत है। अब चाहे आप यूपी में समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, या पश्चिम बंगाल में आप टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की बात कर लीजिए, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं ऐसा नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत नहीं करते हैं, वो करते हैं, मजबूत करते हैं, वाकई में करते हैं। इसीलिए लोकसभा चुनाव में इनका गठबंधन बहुत काम आएगा ऐसा देखा जा सकता है। लेकिन जब तक आप विधानसभा चुनाव में एक साथ नहीं हैं, आप लोकसभा चुनाव की सीढ़ी कैसे पार करेंगे, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और ममता बनर्जी के ताजा तरीन बयान से तो ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको वो ट्वीट दिखा रही हूं News 24 का, जिसके सामने आने के बाद कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से बवाल मच गया है और इसका सीधे तौर पर फायदा दोस्तों उठाएगी बीजेपी। आप निश्चित तौर पर लिख कर ले लीजिए, इसका फायदा बीजेपी उठाने वाली है। ये जो ट्वीट है ये कहता है कि पश्चिम बंगाल की सीएम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है जहां उन्होंने कहा है कि हम पश्चिम बंगाल में किसी के भी साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन पूरे देश में भाजपा के खिलाफ लड़ेगा, लेकिन बंगाल में हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। ये कहना है साफ तौर पर इस ट्वीट का, जिस ट्वीट में ममता बनर्जी के बयान को मेंशन किया गया है। अब आप सोचिए कि यही काम किया था कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश कांग्रेस के हाथ से निकल गया। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो रसाकशी चल रही थी, जिस तरीके से एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए तैयार थे दोनों के दोनों नेतागण, आपको क्या लग रहा था दोस्तों कि क्या वो एक कारण नहीं हो सकता मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन या कह लीजिए कांग्रेस की हार का? अगर चाहते तो गठबंधन हो सकता था क्षेत्रीय दल पर, अगर कुछ सीटें समाजवादी पार्टी को दे दी जाती तो गठबंधन हो जाता, गठबंधन होता तो जाहिर तौर पर वो उस तरीके से मुकाबला लड़ा जाता जिस तरीके से असल मायनों में इंडिया गठबंधन को लड़ना है। तो आप पहले ही कर चुके हैं, अभी भी अगर आप उससे सीख नहीं ले रहे हैं तो क्या यह कहना सही होगा कि इंडिया गठबंधन वाकई में 2024 में मजबूती के साथ मात दे पाएगा एनडीए गठबंधन को?
देखिए अभी फिलहाल के अगर आंकड़ों पर गौर फरमाया जाए दोस्तों, अगर इंडिया गठबंधन मेहनत करता है और मजबूती से लोगों के बीच जाता है, अपनी एकजुटता दिखाता है, तो हो सकता है कि एनडीए उसके आगे टिक ना पाए। लेकिन नेतागण और नेतागणों के बयान, इस तरीके के बयान कि विधानसभा चुनाव में हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, उसका असर राष्ट्रव्यापी पड़ेगा और लोकसभा चुनाव पर निश्चित तौर पर पड़ेगा, जैसा अभी पड़ा है दोस्तों। अगर इन पांच राज्यों में, जो भी पांच राज्यों में चुनाव हुए, उन पांच राज्यों में जहां पर भी संभावित गठबंधन की संभावना थी, अगर वो हो जाता तो हो सकता था कि नतीजे कुछ और होते। लेकिन अभी आप देख लीजिए, हर पार्टी, इंडिया गठबंधन का हर दल जो इंडिया गठबंधन को मजबूत दिखा रहा है इस वक्त भाजपा के सामने, क्या आप ऐसी मजबूती के साथ बीजेपी से मुकाबला करेंगे? मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। एकजुटता दिखानी पड़ेगी आपको, एकजुटता के बगैर तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि दिल्ली के स्तर पर जितने ही नेतागण हैं, चाहे फिर वो कितनी ही बैठकें कर ले, कितना ही कुछ कर ले, लेकिन जब तक आप राज्य के स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत नहीं होंगे, आप मुकाबला नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। वाकई में कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। आप बीते दिनों देख सकते हैं, जो भी सर्वे सामने आए हैं उसमें इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन अगर इसी तरीके के बयानबाजी शुरू रही तो क्या ये कमजोर होता जाएगा या मजबूत होता जाएगा? ये बड़ा सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो रहा है दोस्तों। इस पूरी खबर को लेकर, ममता बनर्जी के बयान को लेकर आपको क्या लगता है? क्या ऐसे बयानों के बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी से इंडिया गठबंधन का मुकाबला हो पाएगा? क्या मुकाबले में इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर पाएगा या अभी भी एकजुटता की जरूरत है? इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।